झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अनुशंसित अभ्यर्थियों के चेहरे उस वक्त खुशी से खिल उठे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र मिला। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन आपके लिए खुशी और संकल्प लेने का दिन है। आपको नई जिम्मेदारी मिल रही है। हमारा राज्य विकास के क्षेत्र में कैसे अग्रणी बने, इसमें आपकी अहम जिम्मेदारी होगी। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए 8 फरवरी 2021 को अधिसूचना जारी की थी। 252 पदों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 15 फरवरी से 15 मार्च तक चली थी। प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर 2021 को ली गई थी, जबकि मुख्य परीक्षा इस वर्ष 11 से 13 मार्च को हुई थी। मेंस का परिणाम 30 अप्रैल को जारी हुआ था। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 9 से 16 मई के बीच हुआ था। अंतिम परिणाम 31 मई को जारी किया गया था। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के जरिए झारखंड प्रशासनिक सेवा 44, झारखंड पुलिस सेवा के 40, जिला समादेष्टा के 16, कारा अधीक्षक के 2, सहायक नगर आयुक्त के 65, झारखंड शिक्षा सेवा के 41, अवर निबंधक के 10, सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता के 6, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के 2, नियोजन पदाधिकारी के 9 और प्रोबेशन पदाधिकारी के 17 पदों पर नियुक्ति हुई है। राज अलग हुए हम लोगों का 20 साल हो गया और आप अंदाजा लगा सकते हैं 20 साल में झारखंड प्रशासनिक सेवा या जेपीएससी के नियुक्ति नियमावली भी नहीं बन पाई थी। हम लोगों ने बहुत कम समय में उसकी नियुक्ति नियमावली भी बनाई और तेजी से नियुक्तियां भी प्रारंभ किया है और ये सभी आप लोगों के सामने है। कई वर्गों में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी वितरण किए। आज उसी का फल है कि छठी जेपीएससी के मुकाबले इस बार 1000 दिन से भी अधिक लगते थे उसको रिजल्ट प्रकाशित होने में, वहीं आज हम लोग लगभग 250 दिन में परीक्षा फल निकाल कर आप लोगों को नियुक्त भी कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि इसमें लाखों नौजवान अपना किस्मत आजमा रहे हैं और प्रयासरत हैं। अभी भी इस बार की नियुक्ति में पिछले की तुलना में 4 गुना अधिक कैंडिडेटों ने हिस्सा लिया और हम लोगों का जो एग्जामिनेशन सेंटर भी था वो भी 4 गुना बढ़ा और रिजल्ट प्रकाशन में भी 4 गुना समय हम लोगों ने कम लगाया। झारखंड अत्यंत पिछड़ा राज्य है। यहाँ गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय का लोग बड़े पैमाने पर, इनकी बहुलताएं हैं और वो गरीब एक एक रुपया के लिए तरसता रहता है। आज उन गरीबों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने पूरे राज्य में हमारे राज्य के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, विधवा महिला हो, एकल महिला हो, विकलांग व्यक्ति हो, महिला हो, सभी के लिए हम लोगों ने पेंशन यूनिवर्सल कर दिया कि आज 1 रुपया के लिए भी वो किसी पर निर्भर ना रहे। और आज इसी प्रकार यहां जेपीएससी के एग्जाम में 600, 700, 800 रुपया फॉर्म भरने के लिए लिया जाता था तो आपकी सरकार ने 50 रुपया और 100 रुपया में आप लोगों को फॉर्म उपलब्ध कराया ताकि अधिक से अधिक बच्चे भर सके। आज इस अभ्यर्थियों के बीच 252 अभ्यर्थी यहां चुने गए हैं, कैंडिडेट साहब बैठे हैं। कई खट्टे मीठे अनुभव के साथ हम लोग यहां एकत्रित हैं और आइए सुनकर आपको ताजुब होगा कि आज उन 252 अभ्यर्थी में से लगभग 32 अभ्यर्थी ऐसे ये बैठे हैं जो बीपीएल परिवार से आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बच्चों ने किस परिस्थिति में आज यहां के मकाम को पाया है। आज ये समझिए कि ठीक है,
हम कुछ लोग जरूर मध्यम वर्गीय में हैं, लेकिन यह पूरा राज पिछड़ा है। हम उस राज के वासिंदे हैं जो अपने आप में यह राज बीपीएल में है, और इसको आज बीपीएल से कैसे बाहर निकालेंगे, इसका संकल्प लेने का दिन।